आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर। हमने हमारा होममेड जो पनीर था उसको छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर बांट लिया है और काट लिया है, कुछ भी कह लो यार, अपना ही घर। अब हम इसमें जाएंगे, इसको इन सबको हम इस बाउल में डालेंगे, ठीक है। ये बच्चे को हम खा जाएंगे। अब इसमें अब हमने नमक डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर, कह सकते हैं मक्के का आटा। और थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्च। इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। इधर हमारे को शेफ मस्त सब्जी काट रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी सब्जी काटी जा रही है। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम कम करोगे इसको? अरे तुम बीच में साउंड दे दो मेरे उसमें म्यूजिक। हमारा पनीर बड़ा क्रिस्पी सा हो गया है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी टेस्ट करने की हिम्मत नहीं है। पर हमारे पास टिश्यू पेपर नहीं है, कोई नहीं, हम अखबार में डाल देंगे। इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तेल निकल गया। अदरक और लहसुन सबसे पहले डालते हैं, ठीक है। नाइस ऑनियन, कैप्सिकम, जो मैं मिर्ची घोल के रखी हुई थी ये डालेंगे। इसी भी आपका सॉस जितना अच्छा होगा आपका टेस्ट उतना सही रहेगा, मजा। इसमें जाएगा कुछ चीनी हल्की सी, बहुत मामूली सी, ये आपका स्वाद और बढ़ा देगी। बहुत मामूली सा सेवा।
जैसे कि हम ड्राई चिली पनीर बना रहे हैं तो इसमें आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है, जो हमने मिर्ची डाली थी उसी के साथ साथ, और नमक ऑलरेडी जो हम सोया सॉस डालते हैं उसमें थोड़ा बहुत नमक होता है, कड़वा हो गया तो एनमर जिम्मेदार, मैं बता रहा हूँ एनमर जिम्मेदार, तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाले नहीं हमको माफ करें, हमने कुछ नहीं बोला। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा फेवरेट आइटम स्प्रिंग ऑनियन, मजेदार लग रहा है। तो हमारा ये रेडी हो गया है, अब इसे हम किसी की प्लेट कर लेंगे, प्लेट की जगह हम तो भैया बाउली करेंगे। Yummy!